नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर झारखंड का। ये वक्त मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज रांची बीजेपी दफ्तर में भारी विरोध के बीच जेएमएम नेता शशि भूषण मेहता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड के आरोपी शशि भूषण मेहता को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने सदस्यता दिलाई और इस दौरान मृतक सुचित्रा मिश्रा का परिवार मंच पर आ पहुंचा। शशि भूषण मेहता की बीजेपी में एंट्री का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया और इन सबके बीच शशि भूषण मेहता कमल के नए कर्णधार बन गए। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। टकबरदास से यही उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति को नहीं शामिल करें प्लीज, क्योंकि हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी एक अच्छा मतलब अच्छा छवि है इसका, इससे खराब करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नहीं जरूरत है। ये बदनसीब यतीम बेटा मुख्यमंत्री रघुवर दास से उम्मीद पाले हुए है। आंखों में आक्रोश का समंदर है और जुबान पर गुहार और इंसाफ की मांग। अभिषेक और आशुतोष मिश्रा किसी भी कीमत पर अपनी मां के हत्या के आरोपी शशि भूषण मेहता को बीजेपी में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सत्ताधारी बीजेपी में शशि भूषण जैसे हत्या के आरोपी शामिल होंगे तो उसका मनोबल और बढ़ेगा। भूषण प्रसाद मेहता है जो आज पार्टी में शामिल हो रहा है, वो मेरी माँ का हत्यारा है। वो जेएमएम से पहले था, आज बीजेपी में शामिल हो रहा है। मैं मेरी माँ का हत्यारा है। साथ साथ हम दोनों भाई न्याय की भटक रहे, आज वहाँ गए पीसफुली प्रोटेस्ट लेके, हम मेरा भाई मामी होर्डिंग्स लेकर के, तो जब मेहता गुंडे हैं उन्हें देखे क्या हाल किया। पीड़ित परिवार को सरकार से उम्मीद है, पीड़ित बेटे को बीजेपी से उम्मीद है और यही वजह है जब पांकी विधानसभा चुनाव लड़ चुके शशि भूषण मेहता बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो दूसरी ओर पीड़ित परिवार का आक्रोश फूट पड़ा। मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ मौजूद थे लेकिन वो हंगामे को रोकने के लिए आगे नहीं आए। कुछ नेताओं ने पीड़ित परिवार को मंच पर जाने से रोका और इस दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ बीजेपी में शामिल हुए शशि भूषण मेहता के साथ ही कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता इस दौरान मूक दर्शक बने रहे। दूसरी ओर मौजूद पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। जब लगा हंगामा बढ़ने लगा है, हालात बेकाबू होने लगे हैं, तो पुलिस पहुंची। खुद डीएसपी साहब का कबूलनामा सुनिए। वहाँ पे कुछ हंगामा हुई, पुलिस वहाँ पे गई, वहाँ पे हंगामा कंट्रोल हुआ। अब जो घटना घटी है उसकी जो सूचना हम लोग को मिलेगी, जो कंप्लेनेंट आएंगे उसके अनुसार से उसमें देखा जाएगा कार्रवाई। हाँ, तो उसको तो रोका ही तो गया ना, वहाँ पे रोका ही गया है मारपीट को। नहीं रोका गया तो मारपीट बढ़ जाती ना। जेएमएम नेता शशि भूषण मेहता ने बीजेपी का दामन थामा तो पीड़ित परिवार आग बबूला क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए। शशि भूषण मेहता पर रांची के ध्रुवा निवासी सुचित्रा मिश्रा की हत्या का आरोप है। फिलहाल शशि भूषण मेहता जमानत पर है। आरोपी शशि भूषण मेहता पांकी से चुनाव भी लड़ चुका है। सुचित्रा मिश्रा के परिजनों की दलील है कि हत्या के आरोपी को बीजेपी में शामिल कराने से शशि भूषण मेहता को प्रोत्साहन मिलेगा, लिहाजा मृतक सुचित्रा मिश्रा के परिजन हाथों में तख्ती लिए सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, विरोध जताया और मांग की कि शशि भूषण मेहता को पार्टी की सदस्यता न दे। जो गुनहगार उसको सजा दिलाने का, आप उसको शामिल करके उसके सजा को बढ़ावा मत दीजिए। वो ऐसे तो आज हमारी माँ के साथ किया, कल किसी की भी माँ के साथ कर सकता है, क्योंकि उसके चरित्र ऐसी है। उसने कई बार हमें धमकाया भी है मर्डर करने के लिए, हमें भाई को मारने के लिए। पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने दलील पेश की कि पीड़ित परिवार को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ज्वाइनिंग के स्थल पर उनको नहीं आना चाहिए, पहला चीज, इसलिए कि उन्होंने कल आवेदन दे दिया है। प्रदेश नेतृत्व को पहले ही आवेदन पत्र जी चुका था, ज्वाइनिंग स्थल पर ज्वाइनिंग के कार्यक्रम के दिन में उसको नहीं आना चाहिए। यदि आना भी था तो प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पे आना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए था। उन्होंने, मुझे लगता है, जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम के स्थल पर नहीं आना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दलील समझ से परे है। वहीं सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड के आरोपी शशि भूषण मेहता की दलील भी सुन लीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं में जो असामाजिक तत्व होंगे उस प्रकार से कुछ हरकत किए होंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो सदस्यता लेते हैं वो सभी अनुशासित ऐसे कार्यकर्ता होते हैं और हम, क्योंकि मामला कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में है, इसलिए। शशि भूषण मेहता का दावा है कि उनके समर्थकों ने हंगामा नहीं किया। जनाब पर फिलहाल केस चल रहा है, वो दोषी नहीं है,
और ये सच भी है, शशि भूषण मेहता अभी हत्या के आरोपी हैं, दोषी नहीं। लेकिन मृतक सुचित्रा मिश्रा के परिजनों का विरोध प्रदर्शन पार्टी कार्यालय के बाहर भी देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो गुंडा बुलाया मेहता ने, हमने हम लोग को पटक पटक के मारा जा रहा है। ये यहाँ का पुलिस प्रशासन भी वहाँ मेहता शपथ ले रहे हैं, क्या कार्यक्रम, जाइए ना वहाँ देखिए आप लोग कहाँ थे। मेहता का गुंडा लोग मार रहा है, हमारा परिवार वाला लोग को, बच्चा को मारा, एक बच्चा भी अंदर है, अगर हमारा बच्चा को कुछ होगा तो हम भाजपा को भी नहीं छोड़ेंगे। वही मौका मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे मामले पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं, देखिए अभी बीजेपी में क्या क्या होगा। अब उस विषय पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा, आप भाजपा को ये बताना चाहिए कि वो कर क्या रही है। अभी तो और बातें आएंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ और जल्दबाजी में हूँ, नहीं तो मैं आपको फिर उस विषय पर बाद में बात करूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी की सेहत के लिए इस तरह की सुर्खियां अच्छी नहीं होती। अब देखना होगा बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है। रांची से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से जन आशीर्वाद रथ पर सवार हैं। सीएम ने सिमडेगा से जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। लोगों के बीच पहुंचे, जीत का आशीर्वाद लिया और बताया कि कैसा आने वाला दिनों में सिमडेगा को विकास के रास्ते पर लाना है। इस रिपोर्ट को देखिए। जन आशीर्वाद का थर्ड राउंड, सिमडेगा से आशीर्वाद की शुभ शुरुआत। मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। संथाल से शुरू हुई इस यात्रा को बीते दिनों भारी बारिश की वजह से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार को सीएम ने सिमडेगा से फिर से यात्रा का आगाज किया। सिमडेगा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। दूर दूर से रैली स्थल पर पहुंचे लोग बीजेपी के रंग में रंगे दिखे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के काम को गिनाते हुए कहा कि अब किसी को भी इलाज के लिए सोचना नहीं होगा, अब सरकार गरीबों का इंश्योरेंस तक करवा रही है। 4 लाख गरीब का, 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड हम लोग झारखंड में पहुंचा दिए। उसमें हमें सूचना मिली कि गरीब लोग 30 रुपया प्रज्ञा केंद्र में नहीं दे पा रहे, तो 30 रुपया भी राज्य सरकार दे रही है। इसलिए मैं सिमडेगा के जितने गरीब लोग, सब अपने अपने 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड, माँ है तो माँ के नाम पर 5 लाख, बाप है तो बाप के नाम पर 5 लाख। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नारी सशक्तिकरण पर बल दिया। सीएम ने राज्य में चल रहे सुकन्या योजना का जिक्र किया और बताया कि अब सुकन्या योजना के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। बेटी अगर घर में जन्म ली है तो मुखिया से लिखाकर आंगनबाड़ी की हमारी सेविका दीदी के यहाँ अपना पास बैंक का अकाउंट का नंबर लिखा देना। अभी भी 0 से 2 वर्ष की कोई हमारी गरीब घर में बेटी है तो आंगनबाड़ी में अपना अकाउंट नंबर लिखा दो ताकि 5,000 रुपया चले जाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भरोसा दिया कि सिमडेगा को आने वाले दिनों में शिक्षा का हब बनाया जाएगा, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। गरीबी अगर समाप्त करना है तो हमें सिमडेगा के हर घर में माँ सरस्वती की शिक्षा देना। गरीबी समाप्त करने का एक ही तरीका है, शिक्षा। इसलिए ये सिमडेगा में काफी गरीबी है, इसलिए मैं सभी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो स्कूल जरूर भेजो। मुख्यमंत्री रघुवर दास जन आशीर्वाद के तीसरे चरण में गुमला और खूंटी में भी लोगों से आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। इस दौरान यहाँ भी मुख्यमंत्री जनता से संवाद करेंगे। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। जमशेदपुर में जेडीयू की तरफ से साकची स्थित उत्कल एसोसिएशन सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश और जिला के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही 8 विधानसभा के लिए संभावित उम्मीदवारों की घोषणा की गई।
सभी नेता मंचासीन हो चुके थे और सभागार में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट चुकी थी। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने संभावित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जमशेदपुर पश्चिम सीट से जिलाध्यक्ष संजीव आचार्य के नाम का विरोध शुरू हो गया। यहां पार्टी नेता निर्मल सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वो मंच पर चढ़कर प्रदेश पदाधिकारियों के सामने नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। एक है कि हमारे जो नव नियुक्त प्रदेश पदाधिकारी हैं और जिला पदाधिकारी हैं उनको सम्मानित करना, और दूसरा कि हम कुछ संभावित जो हमारे उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करना। उसके तहत आज हम लोगों ने 8 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों का घोषणा किया है जो संभावित हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेल में बंद झारखंड विकास मोर्चा के नेता बंधु तिर्की ने मांडर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। दरअसल आज बंधु तिर्की आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हाजिरी लगाने के लिए कोर्ट लाए गए थे। इस दौरान उन्होंने मांडर सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए महागठबंधन की वकालत की। वहीं बंधु तिर्की ने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन को महागठबंधन के नेता के तौर पर पेश करने की बात कही, जबकि झारखंड विकास मोर्चा के कई नेता बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके बंधु तिर्की हेमंत सोरेन के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। महागठबंधन होगा और हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इसके लिए लगे हुए हैं। समय का इंतजार कीजिए, चूंकि कई एक पार्टी को एक साथ मिल करके करने के लिए थोड़ी सा समय लगता है, लेकिन हमको लगता है कि ये नवमी वगैरह बीतने के बाद सारा तस्वीर साफ हो जाएगी। सर मांडर इसमें, क्या कहा किंतु परंतु है, हैं? हम लोग जैसे योद्धा नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। झारखंड में बारिश तो थम चुकी है लेकिन हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। साहेबगंज और पाकुड़ में जल जमाव से दिक्कतें जारी हैं। कई जगह पानी कम तो हुआ लेकिन परेशानी कम नहीं हुई। खासकर राहत सामग्री को लेकर बाढ़ पीड़ितों में काफी आक्रोश है और इस मसले को लेकर सियासत भी हो रही है। पाकुड़ में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। पश्चिम बंगाल से फरक्का का पानी काफी तेजी से निचले इलाके में जा रहा है, जिससे पाकुड़ के पूर्वी हिस्से में गंगा में पानी हिलोरे मार रहा है। यही वजह है कि जल स्तर घट नहीं रहा। वहीं पहाड़ी क्षेत्र से भी पानी का आना जारी। दोनों ओर से पानी का बहाव होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई। दर्जनों गांव जलमग्न है। आंगन और सड़कें अब भी डूबी हुई हैं। खेत पानी से भर गया है। कई गांवों के लोग स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। मवेशी को चारा नहीं मिल पा रहा। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लिहाजा लोग घबराए हुए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राहत सामग्री भी बांटी जा रही है, लेकिन सभी जगह प्रशासन की पहुंच ना हो पाने के कारण लोगों में गुस्सा भी है। बारिश के कारण से जो बारिश घर जब डूब गया है, कोई आके देखो नहीं किया। सरकार को इस तरह मदद करनी चाहिए, ठीक है? अभी मदद करने में कोई नहीं आया। 4-5% ग्रस्त आदमी होगा, सब गरीब है। कोई स्कूल में है, कोई किसी गांव में सहारा लिया है, को अपना बाप का घर दूसरा का चला गया है, ससुर के घर। गाँव का बहुत समस्या है, सब बाढ़ पीड़ित में घर सब खत्म हो गया। ये जो स्कूल पड़ा में जितना घर है सब खत्म हो गया, करीब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है। वहीं साहिबगंज में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी। परेशानी से घिरे बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही से आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन राहत कैंपों में राहत सामग्री देने और पशुओं को चारा देने का दावा कर रही, लेकिन इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पशु चारे की आपूर्ति प्रशासनिक फाइलों में ही फंसी हुई है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के अनुसार जून में ही चारे के लिए टेंडर का काम हो गया। जिला समाहरणालय से चारा मद में आवंटन नहीं मिलने के कारण अभी तक कार्य आदेश नहीं दिए जा सके, जिसकी वजह से चारे की आपूर्ति नहीं की गई। देखिए, हम लोग ने टेंडर बहुत पहले निकाल चुके हैं। अब है कि उपायुक्त को इसकी जानकारी पूरी। अब है कि कल जैसे हम कलेक्ट्रेट समाहरणालय गए थे, वहाँ भी इस बात को रखे
तो उन्होंने भी कहा कि इसका व्यवस्था किया जाएगा, तो अभी तक हुआ नहीं है। जब तक हम लोग को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। के पालकों के बीच 57 गाय और 5 भैंस के बीच 2 क्विंटल 40 किलो चारा का वितरण किया जा रहा है। हम तो वरीय पदाधिकारी जीएचओ से बात कर रहे हैं, सीओ से कोई उसे चिट्ठी हमको नहीं आया और ना कोई आदेश दिया गया, तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। वही राहत कार्यों को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी जिला प्रशासन पर राहत सामग्री बंटवारे में लापरवाही और गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। बड़रुआ प्रखंड का रूपसपुर पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और सबके मुंह से एक ही आवाज है कि प्रशासन अभी तक यहाँ पे कोई पहल नहीं की है। कुछ नहीं हुआ है ना, यहाँ पे कोई नौका दिया गया है, लोग आवागमन कैसे करें, आना जाना कैसे करें, बहुत स्थिति खराब है। एक बार भी आके यहाँ की लोगों का सूद नहीं लिया गया कि किस परिस्थिति में यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो हम यही प्रशासन से यही निवेदन करें कि जल्द से जल्द यहाँ पे व्यवस्था करवाई जाए। कुल मिलाकर बाढ़ की आफत के साथ ही लोग प्रशासनिक लापरवाही भी झेलने को मजबूर हैं। कुदरत से लड़ना तो इंसान के बूते का नहीं, लेकिन मानवीय दिक्कतों को तो दूर किया ही जा सकता है। पाकुड़ से सोहन प्रमाणिक के साथ पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज। रेलवे ने स्टेशनों की स्वच्छता पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रांची स्टेशन ने स्वच्छता के मामले में लंबी छलांग लगाई है। रांची स्टेशन 110 पायदान की छलांग लगाते हुए 63वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन हटिया स्टेशन की रैंकिंग में गिरावट आई है और हटिया स्टेशन 342वें पायदान पर आ पहुंचा है। स्वच्छता के पैमाने पर रांची रेलवे स्टेशन ने नई दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। स्वच्छ रेल भारत 2019 के सर्वे में रांची को 63वां रैंक मिला है। रांची रेल मंडल कई पैमानों पर खरा उतरा है, जिसमें शौचालय की व्यवस्था, पटरियों की साफ सफाई, कूड़ेदान, स्टेशन परिसर में साफ सफाई समेत ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली सुविधा शामिल है। रांची रेल मंडल के यात्री भी स्टेशन के बदले हालात को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है, हर जगह डस्टबिन वगैरह हैं, सब बढ़िया क्वालिटी के हैं, सब कुछ अच्छा है। कर्मचारी भी लगभग लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। मतलब कहने के लिए बहुत सारी सिटी घूमा, लेकिन रांची सिटी जैसी साफ सुथरी सिटी कोई नहीं दिखी मुझे। बहुत साफ सुथरा है शहर और बहुत ही अच्छा लगता है शहर। रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा है, जो यहाँ की गाइडेंस है, व्यवस्था वो भी बहुत अच्छी है। प्रत्यक्ष है कि रेलवे स्टेशन जो है, रांची रेलवे स्टेशन, रांची क्षेत्र जो है, बहुत साफ सफाई में पहले की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत है। इसलिए मैं भी वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसा ही हो। हाँ, साफ सुथरा, काफ़ी यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलती है। पिछले एक साल में रांची स्टेशन पर सुधार के कई काम हुए, जिसका नतीजा रेलवे की स्वच्छता रैंकिंग रिपोर्ट में देखने को मिला है। इस उपलब्धि से अधिकारी बेहद उत्साहित हैं। जी, हम लोग निरंतर हमारा प्रयास रहता है और जैसे जैसे जो गाइडलाइंस मिलते हैं हम लोग निरंतर इस पर कोशिश करते हैं और इन सब का नतीजा है कि रैंकिंग जो है रांची स्टेशन की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसमें जो हम लोग ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो साफ सफाई का हो या फिर रांची के रीडेवलपमेंट फर्स्ट प्लेस का हुआ हो, और जो ग्रीन कवर भी उसका बढ़ाया गया है, लाइटिंग उसकी इम्प्रूव की गई है। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसी के तहत रेलवे स्टेशनों की सफाई को लेकर 720 रेलवे स्टेशनों पर सर्वे किया गया। सबसे साफ स्टेशनों में पहला स्थान राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है, दूसरा स्थान जोधपुर रेलवे स्टेशन और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेलवे को मिला है, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को सूची में 165वां स्थान मिला है। जहां रांची रेलवे स्टेशन ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, वहीं हटिया स्टेशन स्वच्छता के मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण 342वें पायदान पर पहुंच गया है। लिहाजा अब रांची रेल मंडल को हटिया स्टेशन पर फोकस करने के साथ ही रांची स्टेशन की रैंकिंग में भी सुधार करने के लिए काम करना होगा। रांची से अभिषेक भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची के पहाड़ी मंदिर में अब प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मंदिर के आसपास के दुकानदार भी अब कागज की थैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भक्तों की तरफ से भी मंदिर की पहल जो हुई है उसमें काफी खुशी है।
ये रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है। यहाँ रोज हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लिहाजा पहाड़ी मंदिर प्रबंधन ने एक नई मिसाल पेश की है। अब रांची के पहाड़ी मंदिर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी दुकानदार प्रसाद को प्लास्टिक में नहीं बेच सकेंगे। यहाँ भक्तों को अब प्रसाद कागज या पत्ते में दिया जाएगा। वहीं दुकानदारों ने भी पहाड़ी मंदिर के अपील को तुरंत ही लागू कर दिया है। अब लोगों को कागज के बने ठोंगा या डलिया में पूजा की सामग्री दी जाएगी। आज से बहुत ज्यादा प्लास्टिक बन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको उनका जो आदेश हुआ और जो सुझाव दिया उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने विगत श्रावण मास से ही प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया। वहीं पहाड़ी मंदिर में पूजा करने पहुंच रहे श्रद्धालु भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने के कदम को सराहनीय बता रहे हैं। लोगों को लगता है कि इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और पर्यावरण बचाने में पहल कारगर साबित होगी। कुछ लोग प्लास्टिक पूरी तरह से बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसा कदम है कि होना ही चाहिए। मंदिर में क्या, जो भी घर में, घर के बाहर भी अगर कुछ फेंक रहे प्लास्टिक जो ना फेंके उसको। अच्छा कदम है, प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए, उपयोग के लिए सही चीज नहीं है और उससे पर्यावरण में भी दिक्कत होता है। नहीं केवल बात नहीं है, पूरे समाज से प्लास्टिक को बैन होना चाहिए। प्लास्टिक समाज के लिए एक गोल है, लेकिन इसका विकल्प भी चाहिए। नवरात्रि में रांची के पहाड़ी मंदिर से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की पहल शुरू की गई है। निश्चित ही इसका असर शहर के दूसरे जगहों पर भी देखने को मिलेगा। रांची से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।